सूर्य वंश में अमरीश भट्ट भगवान के इतने बड़े इतने महान हुए हैं कि अमरीश भट्ट के लिए भगवान अपना सुदर्शन प्रदान कर देते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है, त्रयोदशी प्रवेश करने वाले वाली द्वादशी में तो तुलसी दल से पानवा खोल लेते हैं। दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाते हैं, अपने जटाओं के एक बाल उखाड़ते हैं, राक्षस उत्पन्न कर देते हैं। भक्त अमरीश को मारने के लिए चक्र प्रकट हो जाता है और दुर्वासा के पीछे लग जाता है। तीनों लोगों में कोई शरण नहीं मिलता। अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा आने का कारण क्या है? तो देखिए दुर्वासा क्या कहते हैं। हाल क्या है हमारा न पूछो, ये जग के पीछे उन्हीं की शरण में जाओ। राजा जो भक्त अमरीश है उनकी शरण में पहुंचे तो जिस समय दुर्वासा के पीछे चक्र लगा था, एक वर्ष का पूरा समय हो गया था। एक वर्ष तक जैसे के तैसे अवस्था में भक्त अमरीश अपने आगन में खड़े रहे और जब दुर्वासा ऋषि आए माफी मांगने लगे तो चरणों में गिर जा रहे हैं। भक्त अम्बरीश बोले, तुम ब्राह्मण हो, आइए आप टाइम पे भोजन करें तो भगवान को भोग लगाने आइए। भक्त अम्बरीश भगवान को भोग लगा के आवाहन करने तो नहीं लिए, क्या होता है? अरे आओ प्रभु चंद्र निभे
ऐसे शर्मा भाई पानी से भगवान प्रकट हो जाते हैं तो क्या हुआ किया प्रभु ने स्वीकार ले हेलो आपका समय समाप्त होगा।